जो काले धन पर भाषण झाड़ते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो पार्लियामेंट में कानून करो, एक समिति बनाओ और 3 साल के भीतर भीतर दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुस्तान की लूट का माल पड़ा होगा वो हम वापिस लाए करेंगे, गरीबों में बांट के रहेंगे। ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। मोंटाज में ये वीडियो देखे आपने, देश के प्रधानमंत्री जो 2014 से पहले काले धन की बात करते थे, आज वो काले जादू की बात कर रहे हैं। आज वो काले जादू की बात कर किस तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। आपको भरोसा नहीं होगा कि यही प्रधानमंत्री 2014 से पहले किस तरीके से दहाड़ दहाड़ कर कहते थे कि देश का काला धन कहां गया, आप कानून बनाइए और उस काले धन को वापस लाने की बात करिए। लेकिन नहीं, जब इनको मौका मिला, इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम काला धन वापस लाएंगे, लेकिन जब अब ये प्रधानमंत्री बन गए हैं तो किस तरीके से काले जादू की बात कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता को कैसे मूर्ख बनाते हैं। क्या है पूरा मामला वो वीडियो दिखाऊंगा और उस पर डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो जरूरी खबरें जो आपको जाननी चाहिए, जो देश को मजबूत करती है, वो वीडियोस आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आज भारत में कानून व्यवस्था और जो कानून के रखवाले हैं उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है। तो फिर जो कानून के पास जाएंगे मदद लेने, पुलिस वालों के पास जाएंगे मदद लेने, उनके साथ क्या होगा। ये देखिए, ये कॉन्स्टेबल हैं जो दाल रोटी लेकर सड़क पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उनको किस तरीके का खाना मिलता है। ये देखिए, ये वीडियो देख लीजिए। तो देखा आपने, ये कॉन्स्टेबल मनोज कुमार हैं जो फिरोजाबाद में तैनात हैं और इनकी शिकायत ये है कि इनको खाने में जो है वो पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, जो खाना है वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें जो है दाल की मात्रा नहीं होती है। इनकी एक और वीडियो है, वो भी सुन लिए जी, जिसमें ये पूरे मामले को बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, जबकि सरकार दावा करती है कि हम सबको जो है हेल्थी खाना देने का काम कर रहे हैं। इनकी ये बाइट भी सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 अक्टूबर को कहा था जी कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी आरक्षियों को या सभी कर्मचारियों को, खासतौर पुलिस वालों को, एक पौष्टिक आहार के रूप में 1875 रुपये यानी 30% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाने के लिए उन्होंने महोदय ने घोषणा की। अब महोदय आप एक बताइए, ये दाल है देखिए, इसमें फर्द पानी भरा हुआ है, ना कुछ है ना का है। इसके बाद महोदय आप ये देखिए कि आपके घर में बच्चे नहीं है, ये देखिए आपके घर में बच्चे नहीं है, ये रोटियां आप खा सकते हैं, इनको आप कभी तरह से हला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ पर तैनात हो? मैं इसी फिरोजाबाद डबल कोर्ट में तैनात हूँ। तो सुना आपने, कह रहे हैं कि 12-12 घंटे काम कराते हैं, लेकिन जब खाने की बात आती है तो खाने में वो दिखा रहे हैं कि दाल में जो है वो दाल है ही नहीं, पानी है और कच्ची कच्ची रोटियां खिलाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का हाल है, जहां पर योगी राज है, बुलडोजर राज है, राम राज है, वहां पर ये हालात है। एक पुलिस वाला जो है उसको खाना नहीं मिल रहा है, कैसे सड़क पर रो रो कर फूट फूट कर वो अपनी कहानी बता रहा है कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनको रोटी जो है खाने में अच्छी नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं,
इस वीडियो के बाद से जो है पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह ये वीडियो फैल रहा है। एक तरफ जो है उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि राम राज्य आ चुका है, उस राम राज्य की ये तस्वीर है जहां पर एक कांस्टेबल जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, सड़क पर रो रो कर गुहार लगा रहा है कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, हेल्थी खाना नहीं मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हालात हैं। और अब ये देखिए भाजपा के राज में कमाई घटी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, भाजपा के राज में कमाई घटी और महंगाई के साथ ही लोन पर ईएमआई बढ़ी। आज जनता का दुख दर्द इतना बढ़ गया है कि अगर भाजपा सरकार उस पर टैक्स लेने लगे तो उसे किसी और टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारों की खरीदो फरोख्त में लगी भाजपा अपने भ्रष्टाचार का बोझ जनता पर डाल रही है, निंदनीय है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.5% बढ़ोतरी की घोषणा की, फिर बढ़ेगी लोन की ईएमआई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर जनता के ऊपर बोझ डाल दिया गया है, जबकि जो इनके यार हैं, दोस्त हैं, वो किस तरीके से करोड़ों रुपए यहां से लेकर भाग चुके हैं, उनको वापस लाने की ये बात नहीं करते हैं और जनता पर जो है लगातार बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। अब जो है आपको लोन लेने की, पहली बात तो आम जनता जो है उसको लोन लेने में कितनी दिक्कत आती थी, अब अगर लोन लेंगे तो आपकी जो है ईएमआई बढ़कर मिलेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है और किसके लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो इनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त हैं, वो चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या विजय माल्या हो, सारे करोड़ों रुपए लेकर भाग चुके हैं। वो सरकारी बैंकों का लोन था। अब सुनने में आ रहा है कि सरकार ने जो है अंबानी अडानी के करोड़ों रुपए भी माफ कर दिए हैं, लेकिन जनता पर जो है लोन लेने पर उसकी ईएमआई बढ़ा दी गई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब वो वीडियो देखिए, सबसे पहले ये वीडियो सुनिए, 2014 से पहले प्रधानमंत्री किस तरीके से दहाड़ कर कह रहे थे कि आप लोग काले धन वापस लेने के लिए कानून बनाइए और जो जहां जहां पर स्विस बैंकों में पैसा जमा है वो सारा काला धन वापस लाने का काम कीजिए। सुन लीजिए, जो काले धन पर भाषण झाड़ते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो पार्लियामेंट में कानून करो, एक समिति बनाओ और 3 साल के भीतर भीतर दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुस्तान की लूट का माल पड़ा होगा वो हम वापिस ला कर रहेंगे, गरीबों में बांट के रहेंगे। तो सुना आपने, ये 2014 से पहले का प्रधानमंत्री जी का तेवर है, किस तरीके से वो काले धन की बात करते थे, लेकिन अब जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, 8 साल हो चुके हैं, आज उनको काले 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 शब्द से तो प्रेम है, लेकिन उसके आगे काला धन नहीं, काला जादू होता है। अब उनका ये दूसरा वीडियो सुन लीजिए, जब कल ही उन्होंने किस तरीके से काले जादू को प्रमोट किया है, विपक्ष पर काला जादू करने का आरोप लगाया है, वो सुन लीजिए। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा। तो सुना आपने, किस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो काला जादू और दुनिया भर के टोटके कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि सरकार इतनी मजबूत है कि आज उनका जो पूरा रायता फैलाया हुआ था 70 सालों का वो सिमटने को तैयार नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यही देश के प्रधानमंत्री 2014 से पहले काले धन की बात करते थे, लेकिन आज ये काले जादू की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को विपक्ष ने जो है महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेता जो थे विपक्ष के, उन्होंने महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री जी टोंट मार रहे हैं, विपक्ष को कोस रहे हैं कि ये लोग काले जादू पर भी उतर आए हैं, इसीलिए काले काले कपड़े पहनकर काला प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन इनको ये याद नहीं है कि 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से काले धन के लिए
दहाड़ते थे कि दम है तो काला धन वापस लाइए, और अगर ऐसा नहीं करते बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी काला धन वापस लाने का काम करेगी। लेकिन आज 8 साल हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने एक भी दफे काले धन की बात नहीं की है, बल्कि जो इनके यार दोस्त थे, चाहे गौतम अडानी हो, अंबानी हो, उनको एक कर्जे माफ हो रहे हैं, उनको दुनिया का अमीर से अमीर आदमी बनाया जा रहा है। और इससे पहले ललित मोदी, नीरव मोदी, ये तमाम जो कॉरपोरेट थे वो सारे पैसा लेकर भागे हैं, इनको काले धन की परवाह नहीं है। इन्होंने कहा था कि काला धन आएगा तो वो जनता को मिलेगा, वो जनता में बांट दिया जाएगा, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे सबको, लेकिन कहाँ गया वो 15 लाख, कहाँ गया वो काला धन? आज जो है 8 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुँह से काले धन के नाम पर एक लफ्ज नहीं निकलता है, बल्कि वो आज भी विपक्ष को कोस रहे हैं और उन पर काला जादू करने का आरोप लगा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने शातिर हैं, कितने चालाक हैं, और खासकर जो गोदी मीडिया है उसने कैसे हमारे समाज में नफरत फैलाकर किस तरीके से जो हमारे देश के युवा हैं उनके उनके माइंड को कैप्चर कर लिया है, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आरक्षण खत्म करने के नाम पर कैसे लोग जो है इनकी तरह एकजुट हो रहे हैं। इसी स्पीच में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको पूरा भरोसा है इस देश की जनता जो है वो उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। ये हकीकत है, इस देश की जनता को जो है महंगाई नहीं दिखेगी, जीएसटी पर जीएसटी लगाई हुई नहीं दिखेगी, रोजगार नहीं दिखेगा, उनको सिर्फ देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री पर भरोसा है, जो 2014 से पहले महंगाई पर बात करते थे, पेट्रोल डीजल पर बात करते थे, डॉलर पर बात करते थे, काले धन पर बात करते थे, लेकिन 2014 के बाद से एक भी दफा उन पर उनके मुंह से जो है ना महंगाई का सम्मान निकला है, ना जो है काले धन का काला शब्द निकला है, ना ही पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स और महंगाई जो है बढ़ती जा रही है उस पर एक लफ्ज़ निकलता है। आज वो काला जादू, विपक्ष को कोसना, पूरा दिन यही बात करते हैं, एक भी दफे उन्होंने ना रोजगार की बात की है, ना काले धन की बात की है, ना उन्होंने डॉलर की, रुपए की बात की है, वो सिर्फ जो है विपक्ष को कोसते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का जो 2014 से पहले रवैया था और अब 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री के बाद पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री ने जो रुख अपनाया उस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या वाकई में जो है देश अमृत काल में पहुंच चुका है, या सिर्फ प्रधानमंत्री जनता को ठगने का काम कर रहे हैं? इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।